नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2022 के माध्यम से विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों की भर्ती के लिए 22 सितंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए आवेदन आज 22 सितंबर 2021 से शुरू हो गए हैं, जिसके आवेदन की लास्ट डेट 12 अक्टूबर शाम 6 बजे है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 108वीं जयंती पर मंगलवार को जमुई सांसद चिराग पासवान प्रदेश के पूर्णिया जिला के बैरगाछी स्थित उनके आवास पहुंचे थे। उन्होंने उनके घर पर भोजन किया और रात्र का विश्राम भी किया। वहीं चिराग पासवान को देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबने लोजपा नेता का भव्य स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की आम बहस शुरू होने के साथ ही राष्ट्राध्यक्ष सरकार के प्रमुख के भाषणों का दौर भी शुरू हो गया। इस वार्षिक सभा के दौरान जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी सहित दुनिया के शीर्ष नेताओं ने पूरे दिन मंच को संभाला। बुधवार को राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस दौरान लालू यादव ने ऐलान किया कि वो जल्द ही दिल्ली से बिहार आएंगे और हर जिले का दौरा करेंगे। इसके साथ ही राजद सुप्रीमो ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ भी की। भारत की आपत्ति के बाद ब्रिटेन ने अपनी भेदभावपूर्ण वैक्सीन नीति में बदलाव किया है। अब उसने कोविशील्ड को भी मान्यता देने की बात कही है। इससे पहले ब्रिटेन ने कहा था कि वो कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक लेने वालों के टीकाकरण को भी मान्यता नहीं देगा और ब्रिटेन पहुंचने पर उन्हें भी 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। बसपा को करारा झटका लगा है, जिसके तहत बसपा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद कमालुद्दीन अपने समर्थकों के साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के समक्ष हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। बता दें कि कमालुद्दीन की पहचान उत्तर बिहार में पार्टी के दिग्गज नेताओं के रूप में हुई है। समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन की जान लेने के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हिंदुस्तान के रोस्टा से पत्रकार रहे विकास रंजन की नवंबर 2008 में दफ्तर के नीचे ही घर जाते समय जान ले ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया है कि केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 सालों के अपने शासनकाल में शहर के करीब 400 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। भारत में बढ़ती जनसंख्या को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी शोध रिपोर्ट में बताया है कि भारत में अन्य धर्मों की तुलना में मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म के बाद हिंदू धर्म दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा जैन धर्म मामले वाले सबसे कम बच्चे पैदा करते हैं। आज से शुरू हो रही वॉशिंगटन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाई गई क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेते देखे गए। नेताओं के साथ द्विपक्षीय उन्होंने बैठक भी की। प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए तत्काल दुनिया को रैली करना, हमारे सिस्टम को बेहतर बनाना है। नेपाली कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण खड़का को देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने बुधवार सुबह खड़का को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। देउवा के निजी सचिवालय ने इस बात की पुष्टि की है। भवानीपुर उपचुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बुधवार को भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास प्रचार नहीं करने दिया गया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी रस्साकसी जारी है। भारतीय रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च की है। इसकी वजह से सामान्य डिब्बे में ही रिजर्वेशन जैसी सुविधा मिलेगी। अब हर यात्री को अपनी सीट पता होगी और वो वहीं जाकर बैठे। इससे यात्री भीड़भाड़ से भी बच सकेंगे और सामान्य डिब्बे में होने वाली धक्का मुक्की भी बंद होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने फिर से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया है, लेकिन उनका बयान पिछले 2 वर्षों की तुलना में हल्का था। उन्होंने मंगलवार को महासभा के शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में कहा, हम पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के ढांचे के भीतर 74 वर्षों से कश्मीर में चल रही समस्याओं को हल करने के पक्ष में खड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मेघालय ने योजना भवन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में MBOSE, CBSE, ICSE और ISC के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अगले साल तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को इस साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। मोदी सरकार रिटायर कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का फायदा देने जा रही है। इसके चलते जूनियर से सीनियर लेवल के कर्मचारी को रिटायरमेंट फंड में करीब 1,00,000 से 7,00,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। यह फायदा ग्रेच्युटी और छुट्टी के बदले नकद भुगतान के तौर पर किया जाएगा। अक्टूबर में कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्स की शिपमेंट फिर से शुरू करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख टेड्रोस गैब्रेसस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को शुक्रिया कहा है। बता दें कि कोवैक्स कोविड टीकों के लिए समान वैश्विक पहुंच के लिए एक पहल है। कोविड 19 के एक और दुष्प्रभाव का खुलासा हुआ है। 150 मरीजों पर किए गए रिसर्च में 73% में डिलीरियम बीमारी का पता चला है। कोरोना महामारी की शुरुआत से संक्रमित ये मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे। डिलीरियम एक मानसिक विकार है जिसमें दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। ताजा रिसर्च में पाया गया है कि गाउट का इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा कोविड 19 से भी लड़ सकती है। प्रोबेंसिड दवा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उस स्थिति का इलाज के लिए स्वीकृत की है जिसमें जोड़ों का दर्द होता है। आईपीएल के मुताबिक सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद को बाकी टीम से अलग कर लिया है। मेडिकल टीम ने खिलाड़ी के 6 करीबी संपर्क की भी पहचान कर ली है और सबको क्वारंटीन में डाल दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को बागमबरी मठ में भू समाधि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इसको लेकर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को बागमबरी मठ लाया गया। ज्ञात हो कुछ दिनों पहले ही महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी जान ली थी जिसके लिए उन्होंने कई लोगों पर आरोप भी लगाया है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोजीना नाजिश जदयू और पूरे एनडीए की विधान परिषद उपचुनाव में उम्मीदवार है। तनवीर अख्तर का कोरोना की वजह से निधन हो गया था, इसलिए हम सब ने तय किया है कि उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की अब तक 80.13 करोड़ से ज्यादा डोज दे चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 80,13,26,335 डोज सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क मेंस परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 1 से 17 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम भी घोषित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह राज्य के प्रमुख नहीं है लेकिन सरकार के प्रमुख है, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत उनके समकक्ष उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो आंशिक रूप से भारतीय मूल की है, वह उनकी औपचारिक मेजबान होंगी। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को उनसे मुलाकात करने वाले हैं। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते हैं। जहां पेटीएम वॉलेट से पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं, वहीं कई जगह पेटीएम वॉलेट से पेमेंट स्वीकार नहीं किए जाते हैं। राज्य के नौकरशाही में बड़े बदलाव होने के एक दिन बाद पंजाब की नई सरकार ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सहयोगी को अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया है। दिनेश बस्सी की जगह दमनदीप सिंह उप्पल को राष्ट्र का प्रमुख बनाया गया है। यूजीसी नेट परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकता है। एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिस के बाद एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यूजीसी नेट की परीक्षा 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर और 17 से 19 अक्टूबर तक होने वाली है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे पर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को पीएम मोदी पर बहुत भरोसा है। सरकार लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए उत्सुक है। केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल के तहत स्मृति ईरानी बड़गाम के 2 दिवसीय दौरे पर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजेश सोंथियाल, दीपेंद्र कुमार, रिया वर्मा, अमन कुमार अग्रवाल, जितेंद्र ठाकुर, नुरुद्दीन खान, ओमकार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सनराइजर हैदराबाद के टी नटराजन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आईपीएल का आयोजन जारी रखना चाहिए या स्थगित कर देना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।